डीजी जसपाल साहब और साथ में आए हमारे एसएसपी के डीजी साहब राजेश जी और हमारा आईटीबीपी के जितने भी यहाँ सीनियर कमांडिंग ऑफिसर्स और यहाँ और जितने भी आईटीबीपी के जवान और आज जो इस डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करने वाले और जितना पार्टिसिपेंट्स और टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स भाई और बहनों, मुझे बहुत दिनों से ऑली आने के लिए जसपाल साहब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। पिछले साल नहीं हो पाया। एक बार होम सेक्रेटरी, पुराने होम सेक्रेटरी थे हमारे राजीव महर्षि जी, हम दोनों फिर ट्राई किया तो फिर बर्फ पड़ा नहीं। तो फिर मैं तो एक बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन बर्फ के समय में आने का मन था तो आज वो पूरा हो गया, मेरा तमन्ना पूरा हुआ। इसमें दो फायदा हुआ, एक तो बर्फ में जो आपका हुनर है आईटीबीपी के जो हिमवीर के हुनर है वो देखने को मिला, और दूसरे आप लोगों से मुलाकात करने का फिर और एक मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा फिर मिल करके। और जब भी हमारे जो हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉयड आईटीबीपी के और अन्य हमारे सेंट्रल फोर्सेस से जब मिलता है तो हौसला जो है हमारा बहुत ऊंचा हो जाता है। आप लोगों का जो काम करने का देश के प्रति जो समर्पित भाव से जो आप लोगों का लगातार काम करने का जो तरीका है वो देख करके कोई भी देशभक्त, कोई भी देशवासी फख्र महसूस करेगा आप लोगों की वजह से। इसलिए हम लोगों ने ये आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी भी दिवाली में हम लोगों के बीच में आते हैं अलग अलग जगह में, और हमारे वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी, मैं, हम लोग सब कोशिश करते हैं कि दीपावली और अन्य समय में आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों के बीच रहे, ये हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोगों के बीच में आने से ही पता लगता है कि आप लोगों में जोश कितना है और देश के लिए सेवा करने का जज्बा कितना है, वो आपके बीच आने से ही पता लगता है। इसलिए हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं भारत का एक नागरिक होने का। वो खास करके जो हमारे जवानों की वजह से ही हम लोगों को ये भाव आता है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वैसे इंडिया में अपने आप में एक यूनिक है। आईटीबीपी के जो माउंटेनियरिंग का यहाँ ओली का इंस्टीट्यूट है, ये बहुत फेमस भी है, सब यहाँ आना चाहता है और यहाँ से स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज का ट्रेनिंग लेना चाहता है। और अभी जो जैसे ब्रीफिंग हुआ, यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इस इंस्टीट्यूट से पैदा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आगे इसको जो इस इंस्टीट्यूट को और सही तरीके से फैसिलिटीज के साथ और बढ़ावती जो देना है, डीजी साहब हम लोग बात करके जो देना है आपके फोर्सेस के माध्यम से या मंत्रालय से कोई और करना जरूरी होगा गृह मंत्रालय से, हम लोग मिल करके इसको और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाने में क्या क्या जरूरत होगा हम लोग पूरा करेंगे। तो नेचुरल जगह है, मैंने जो देखा यहाँ का स्लोप, पेड़ पौधा भी है सामने में और बर्फ भी भरपूर गिरता है, तो ऐसा जगह बहुत कम, दुनिया में बहुत कम ऐसा जगह है जो इतना शानदार विंटर स्पोर्ट्स के लिए एकदम सूटेबल है। बहुत अच्छा लगा।